हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको डेलूज एंड फॉर्म सिस्टम के बारे में बताएंगे। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने एक हमारा जो डेलूज एंड फॉर्म सिस्टम लगा हुआ है, इसकी जो मुकम्मल डिटेल में हम बताएंगे आपको कि ये हम किस मकसद के लिए लगाते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है। तो अभी मैं आपको जो इसकी स्पेसिफिकेशन होती है, इधर नेम प्लेट लगी हुई इसकी नेम प्लेट भी दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद में जो इसके वाल्व्स वगैरह या दूसरा जो पूरा फंक्शन है उसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये नेम प्लेट है, इसके ऊपर जो इसकी कैपेसिटी होती है ये कितने गैलन का है, ये अभी तो ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये हमारे पास जो है वो 50 गैलन वाला इसकी कैपेसिटी है। तो इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं कि ये किधर का बना हुआ है, सब कुछ इसके ऊपर फुल स्पेसिफिकेशन इसकी लिखी हुई है। तो जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो टैंक है, इसको हम फॉर्म ब्लैडर टैंक बोलते हैं। जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं, इसके ऊपर हमारे ये टैंक भी लगा हुआ है और इसके ऊपर जो वाल्व वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी भी इसकी जो डिटेल है वो भी बताते हैं और ये किस पर्पज़ के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। ये हमारे पास एक जनरेटर रूम है। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो ये स्प्रिंकलर भी लगे हुए हैं, ये जो डिलीवरी सिस्टम है ये इस स्प्रिंकलर को फीड होता है और इसके साथ ही इसका फॉर्म और जो पानी होता है वो इसके थ्रू या स्प्रिंकलर के थ्रू आता है। तो हमने ये लगाया हुआ है जनरेटर, हमारा इधर एक जनरेटर लगा हुआ है, इसके ऊपर इसकी सेफ्टी के लिए हमने कोई भी अगर फायर आ जाए या कुछ भी इसको प्रॉब्लम हो जाए फायर, तो उसकी सेफ्टी के लिए हमने ये फॉर्म सिस्टम जो है वो लगाया हुआ है। तो फ्रेंड, जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि इसका लेवल लगा हुआ है, इसके ऊपर हम ये इसका लेवल चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि इधर तक इसका लेवल होना चाहिए। तो ये जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि जो ये टैंक है, इसके अंदर हमारा जो फॉर्म होता है और ये इसकी जो वाटर लाइन आती है, ये दोनों मिक्स हो के चलते हैं। जैसे ही पानी और फॉर्म मिक्स हो के हमारा वो स्प्रिंकलर के थ्रू हमारा यूज़ होगा। जैसा कभी अभी ये देख सकते हैं कि हमारा ये डेल्यूज सिस्टम है। जैसा कभी अभी मैं दिखा देता हूँ, ये डेल्यूज फॉर्म सिस्टम है। ये इसके ऊपर कुछ हमारे गेज वगैरह लगी हुई हैं, प्रेशर गेज हैं। तो ये कैसे वर्क करती हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये इसके ऊपर जो इसका प्रेशर स्विच लगा हुआ है, जैसे कभी अभी ये देख सकते हैं ये प्रेशर स्विच है। जैसे ही हमारा फायर होगा तो गाइज ये कैसे वर्क करता है, ये हमारा प्रेशर स्विच है जो कि हमारी स्मोक डिटेक्टर के साथ डिटेक्ट है, कनेक्ट है स्मोक डिटेक्टर के जो। तो गाइस, स्मोक डिटेक्टर कैसे करेगा, जब भी इस रूम में हमारे रूम में फायर आएगा तो स्मोक अलार्म इसको इंडिकेटर देगा, ठीक है। ये इंडिकेटर देगा डिल्यू सिस्टम को, डिल्यू सिस्टम एक्टिव जब होगा तो फिर हमारा फोन सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ये मिक्स हो के तो महलूल की शक्ल तैयार करेंगे, फॉर्म की शक्ल तैयार करेंगे जो हमारे इस एरिया को सेव करने के लिए काम आएगा। तो अभी हम आपको इसके प्रेशर के बारे में बताते हैं। इसका जो प्रेशर है मिनिमम जो है ना 140 PSI तक होना चाहिए, 140 से लेके 150 PSI तक होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम। तब जाके ये हमें हमारे दो गेज प्रेशर गेज लगी होती हैं, ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये सिस्टम जो है ना इस वक्त ऑटो पे है, इस वक्त हमारे सिस्टम में वर्क करने के जो ना कैपेसिटी है ये रेडी है वर्क करने के लिए। तो गाइस ये यहाँ पे हमारा, हम इसको बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में बटरफ्लाई वाल। बटरफ्लाई वाल दो सिस्टम इसमें लगे हुए हैं, मैनुअल है, साथ इसकी डिवाइस लगी हुई है जो कनेक्ट है अलार्म के साथ, अलार्म डिवाइस के साथ। जैसे ही हम इसको क्लोज करेंगे तो अलार्म डिवाइस डीएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इन केस गाइस अगर हमारे रूम में जो है ना फायर आ जाता है तो हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, तो फिर हम अपने फोम सिस्टम को भी, अपने लिक्विड को भी बचाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से मैन्युअली इसको क्लोज कर सकते हैं बटरफ्लाई वाल को, ठीक है। यहाँ से हम क्लोज करेंगे और ये वाल हम क्लोज करेंगे जो फोम सिस्टम का है, तो हमारा जो केमिकल है वो महफूज रहेगा। गाइस ये हमारा टैंक इन केस खाली हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है, तो हम इसको रिफिल भी कर सकते हैं, मार्केट से बाजार से अवेलेबल है इसका जो है ना फोम, तो वो हम यहाँ से इस वाल से इसको ओपन करके, ओपन मोड में करके तो हम यहाँ से रिफिल कर सकते हैं। लेकिन रिफिल करने के लिए आपको केयर करनी पड़ेगी कि आपके जो वो जो दो वाल हैं वो क्लोज होने चाहिए, ठीक है। ये वाल है एयर का, ये आपने इसको खोलना है,
ये आपने ओपन करना है, ये दो वाल क्लोज करने हैं और इसको भी ओपन करना है। यहाँ से रिफिलिंग होगी, यहाँ से इसकी एयर जाएगी, इसको मैन्युअली आप रिफिल कर सकते हैं। इसका केमिकल जो है वो एनी मार्केट में अवेलेबल है, आपको किसी के पास जाने की या किसी थर्ड पार्टी से कंटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद भी कर सकते हैं इसको, बहुत ईजी है ये। इन केस गाइस आप लोगों को पता नहीं चलता कि हमने इसमें कौन सा केमिकल डालना है, तो इसमें यहाँ पे लिखा होता है, ये इसकी जो शीट है, ये इसका लोगो है, इसके ऊपर यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी होती है, यहाँ पे टाइप ऑफ फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ से आपने पढ़ के वो मार्केट से मंगाना है, वही फॉर्म सेम डालना है इसमें आपने, वही लिक्विड डालना है, बहुत ईजी है। तो फ्रेंड जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो इसकी स्कीमेटिक डायग्राम जो है फॉर्म सिस्टम की वो भी बनी हुई है, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर पूरा डिटेल में इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक नंबर पे क्या है, दो नंबर पे क्या है, पूरा इसके ऊपर ये नीचे इसकी डिटेल लिखी हुई है। आप इससे भी पढ़ के आप देख सकते हैं कि आपने कौन सा वाल्व बंद करना है, कौन सा ओपन करना है, तो आप इधर से भी इसको देख सकते हैं।